हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। केके किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन मटन खीमा, वो भी सिंपल आसान तरीके से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने धनिया ली हूँ, एक मुट्ठी धनिया है, 5 से 6 हरी मिर्ची है, 1 टीस्पून ज़ीरा, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, इस सब को हम पीस लेंगे। यहाँ पर हमने 2 मुट्ठी पालक का इस्तेमाल किया है, इसको अच्छे से धोकर साफ करके साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 किलो मटन खीमा लिया है, चर्बी के साथ लिया है, इसको अच्छे से धो लेंगे हम, और इसको पानी पूरा निकलना चाहिए, हम अपना ड्राई करके रख देंगे। अब एक भगोने में मैंने गैस पे पानी गर्म बॉईल करने रख दिया है, इसमें डालेंगे हम पालक, इसको हम 2 से 3 मिनट बॉईल करेंगे। अब इसको हम ठंडा करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे, और पेस्ट बनाने के टाइम पे हम आइस का क्यूब का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर पैन में मैंने 4 to 5 टीस्पून ऑयल लिया है, इसमें डालेंगे हम 3 मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज का कलर चेंज होने तक हमें इसको भूनना है, फिर डालेंगे हम जो मसाला हमने पीसा था, अदरक लहसुन मिर्ची, वो सब पीस कर इसका पेस्ट बना के इसके अंदर डालेंगे। इसको भी अच्छे से भून लेंगे, तेल छूटने तक हम इसको भूनना है। देख सकते हैं आप, डालेंगे हम हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और इसको अच्छे से भून लेंगे। टेस्ट के साथ में नमक डालेंगे। अब डालेंगे खीमा। खीमे को हमें कम से कम 10 मिनट तक मसाले में भून लेना है अच्छे से। अब यहाँ पर डालेंगे हम 4 to 5 टीस्पून दही और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे 2-3 मिनट तक। अब इसको हम ढककर 5 से 6 मिनट पकाएंगे। देख सकते हैं किस खीमे में जितना हमारा पानी था पूरा ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे जो हमने पालक पीस कर उसकी प्यूरी बना के लिया था, वो डालेंगे। अब डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और उसको अच्छे से हम 2-3 मिनट तक भून लेना है। हमारा खीमा ऑलमोस्ट 70-80% कुक हो चुका है। 1/2 कप पानी डालना है और इसको हम 7 से 8 मिनट मीडियम आंच पे पकने देंगे। देख सकते हैं 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, हमारा मटन हरा भरा खीमा रेडी है। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।